तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जुन्हू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषदादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा,
अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण अग्निहोत्र, गौ द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्री मद भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्री मद भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी
श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहां कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुईं। तब सनकादि ने कहा,
ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहां रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है, हम इसकी महिमा कहां तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है।